हेलो, द क्वेश्चन सेज डैट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट. व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस. ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कोई भी कॉस्ट प्राइस होगा जिसमें 30% जो है मार्कअप किया जाता है और मार्क प्राइस बनाया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम 100,000 यूनिट मान लेते हैं. ठीक है, कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेते हैं, 1,000 यूनिट. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मार्कअप किया जाता है 30%, तो मार्क प्राइस बनेगा. तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 30% बढ़ाया जाता है, यानी 30% बढ़ा दिया जाता है कॉस्ट प्राइस पे. तो 30% जब बढ़ा दिया जाएगा 1,000 पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,300, यानी कि 1,300 यूनिट हो जाएगा मार्क प्राइस. मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1,300 यूनिट हो जाएगा. उसके बाद आगे में क्या करें कि 10% का डिस्काउंट दिया जाता है. तो 10% का डिस्काउंट, यानी यहाँ पर डिस्काउंट लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ से और यहाँ जा रहा है, यानी कि 10% कम करना, यानी घटाना. तो 1,300 का 10% कितना हो जाएगा, 130, यानी 130 डिस्काउंट हो गया. उसके बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, माइनस 130 कर देते हैं मार्क प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. तो 1,170 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पर कहता है कि 6.5% मोर अगर प्रॉफिट कमाना हो तो डिस्काउंट परसेंट बताना है. ठीक है, अभी फिलहाल जितना प्रॉफिट कमा रहा है, अभी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस, ये हो गया इसका प्रॉफिट जो कि 170 रुपये है. लेकिन लेकिन इसके तुलना में 6.5% और ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाता है तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर 6.5% का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, जो 6.5% मोर प्रॉफिट कमाना है उसकी ही वैल्यू निकाल लेते हैं. हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, 1,000. हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस को 100 से भागा दे देते हैं, 1% का वैल्यू निकल जाएगा. और 6.5% का हमें वैल्यू निकालना है क्योंकि इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है. तो 6.5% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 65 यूनिट. यानी कि ये समझिए कि 65 यूनिट और ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाता है, 6.5% का मतलब 65 यूनिट और ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो न्यू प्रॉफिट हो जाएगा उसको, यानी कि पी न्यू, यानी जो नया प्रॉफिट हो जाएगा वो 170 पहले का था और 65 और बढ़ गया, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 235. ये जो हो गया, ये नया प्रॉफिट हो गया 235. ठीक है, और नया सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा, एस पी न्यू हो जाएगा सेलिंग प्राइस. पहले तो 1,170 था, लेकिन अब 1,000 कॉस्ट प्राइस हो गया, 1,000 कॉस्ट प्राइस, और नया प्रॉफिट हो गया 235. जोड़ लेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 1,235. ये जो 1,235 यूनिट हो गया, ये नया सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है, अब उसके बाद मार्क प्राइस जो दिया हुआ है, मार्क प्राइस मेरा तो फिक्स है वही 1,300. तो जो डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट. तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 65, यानी 65 का. तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट. अब हमें परसेंट में चेंज करना है केवल, तो 65/1,300 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई विद 100 कर देते हैं. 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी जो परसेंटेज हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट वो कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा. ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू.